दोस्तों, टिलिकुआ रुगोसा, जिसे सिंगल बैक स्किंक के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली छिपकली की एक आकर्षक प्रजाति है। इन सरीसृपों को इनकी अनोखी उपस्थिति से आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसमें खुरदुरे तराजू होते हैं जो छोटी टाइलों या शिंगलों जैसे दिखाई देते हैं। टिलिकुआ रुगोसा के बारे में ध्यान देने वाली एक मुख्य बात इनकी प्रभावशाली दीर्घायु है। कुछ रुगोसा जंगल में 50 साल तक जीवित रहते हैं। यह दीर्घायु आंशिक रूप से इनके धीमे चयापचय और कठोर रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रहने की क्षमता के कारण है। टिलिकुआ रुगोसा के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य, इनका एक रस स्वभाव है। नर और मादा मजबूत जोड़ी बनाते हैं जो जीवन भर चल सकते हैं। अपने बच्चों को पालने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। टिलिकुआ रुगोसा सर्वारी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कीड़ों, पौधों और यहाँ तक कि छोटे कशेरुकियों को खाते हैं। यह एक छोटी पूंछ वाली धीमी गति से चलने वाली ब्लू टंग्ड स्किंक प्रजाति है। इसे आमतौर पर सिंगल बैक या स्लीपी छिपकली के रूप में भी जाना जाता है। इसकी चार मान्यता प्राप्त उप प्रजातियों में से तीन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, जहां बाबटेल नाम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। चौथी उप प्रजाति टी रगोसा एस्पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र मूल निवासी है, जहाँ इसे पूर्वी सिंगल बैक के सामान्य नाम से जाना जाता है। बाबटेल और सिंगल बैक के अलावा विभिन्न राज्यों में कई अन्य सामान्य नामों का उपयोग किया जाता है, जिनमें दो सिर वाली स्किंक, स्टम्पी छिपकली, स्टम्पी टेल स्किंक, बोगी पाइनकोन छिपकली शामिल है। नुंगूर आदिवासी लोग अपनी भाषा में रुगोसा को योर्न कहते हैं। टी रुगोसा की एक छोटी चौड़ी स्टम्पी पूंछ होती है जो इसके सिर से मिलती जुलती होती है और शिकारियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से काम कर सकती है। पूंछ में वसा का भंडार भी होता है जो सर्दियों में ब्रूमेशन के दौरान खींचा जाता है, जिसके दौरान कई छिपकलियां हाइबरनेशन के समान व्यवहार करती हैं, सिवाय इसके कि उन्हें हर दिन पानी की जरूरत होती है। मानव बस्तियों में इसे अक्सर सड़कों के किनारों या अन्य पक्के क्षेत्रों में धूप सेकते हुए देखा जाता है। यह प्रजाति दक्षिणी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शुष्क से लेकर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित है। यह सीमा ब्रोम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से लेकर देश के सबसे दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए तट तक और फिर उत्तर में क्वींसलैंड तक फैली हुई है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चार उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक राट नेस्ट द्वीप पर है। यह विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के पूर्वी राज्यों में भी रहती है, लेकिन इन राज्यों के तटीय क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है। इस प्रजाति के आवास में झाड़ीदार भूमि, नीलगिरी के जंगल, रेगिस्तानी घास के मैदान और रेतीले टीले शामिल हैं। ये अक्सर कम पत्ते के नीचे झाड़ियों में आश्रय लेते हैं। ठंडे खून वाले होने के कारण इन स्किंक को खुले क्षेत्रों में धूप सेकना बहुत ज्यादा पसंद है और अक्सर सड़क के किनारे या अपनी सीमा में अन्य साफ सुथरे क्षेत्रों में देखे जाते हैं। औसतन सदस्यों का निवास क्षेत्र 4 हेक्टेयर होता है और वे प्रतिदिन 500 मीटर तक चल सकते हैं। ये छिपकलियां कई सालों तक अपने घर की सीमा में स्थिरता बनाए रखती हैं और अक्सर कई छिपकलियां एक ही बिल का उपयोग करती हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां गर्म और शुष्क होती जाती हैं, ये छिपकलियां अपने बिल साझा करने लगती हैं। बसंत के मौसम और उस मौसम में भोजन के पर्याप्त स्रोत और सामान्य संभोग व्यवहार के कारण नर अक्सर एक दूसरे की सीमाओं का ओवरलैप करते हैं। इससे क्षेत्रीयता और आक्रामक व्यवहार होता है। टिलिकुआ रुगोसा का शरीर भारी बख्तरबंद होता है और इसे गहरे भूरे से लेकर क्रीम तक विभिन्न रंगों में पाया जा सकता है।
इसकी थूथन वेंट की लंबाई 240 से 315 मिलीमीटर तक होती है और यह अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत भारी शरीर वाला होता है। इनकी आंखें छोटी और लाल भूरे और गिरे रंग की होती है। इसका सिर त्रिकोणीय और चमकीले गुलाबी मुंह के अंदर जीभ चमकीली नीली होती है। इसकी छोटी नुकीली पूंछ इसके सिर के आकार की तरह ही होती है। यह संभवतः शिकारियों को भ्रमित करने के लिए एक रक्षा तंत्र है। हालांकि यह वसा भी संग्रहित करती है और इसके कारण इसे दो सिर वाला स्किंक का सामान्य नाम मिला है। कई स्किंक के विपरीत सिंगल बैक ऑटोटॉमी प्रदर्शित नहीं करते हैं और अपनी पूंछ नहीं गिरा सकते हैं। इन स्किंक का औसत जीवन काल 10 से 15 साल होता है, लेकिन कुछ तिलिकुवरुगोसा जंगल में 50 साल तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। यह प्रजाति आमतौर पर अपनी पूरी त्वचा को उतार देती है, जिसमें आंखों का आवरण भी शामिल होता है। इसमें कई घंटे लगते हैं, जिसके दौरान छिपकली इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए वस्तुओं से रगड़ती है। यह प्रजाति यौन द्वैरूपता प्रदर्शित करती है, जिसमें नर मादाओं की तुलना में मोटे होते हैं और उनका सिर बड़ा होता है। हालांकि मादाएं आमतौर पर नरों की तुलना में बड़ी होती हैं। रुगोसा एक सर्वारी जानवर है जो घोंगे, कीड़े, सड़ा हुआ मांस, वनस्पति और फूल खाता है। क्योंकि ये धीमी गति से चलते हैं, इसलिए ये अन्य धीमी गति से चलने वाली प्रजातियों को भी खाते हैं। शायद यही कारण है कि रुगोसा को अन्य ब्लू टंग स्किंक प्रजातियों की तुलना में पौधों के लिए अधिक प्राथमिकता है। ये अपने मजबूत जबड़ों से घोंगे के खोल को भी आसानी से कुचल सकते हैं, क्योंकि ये मानव निवास और बस्तियों के साथ ओवरलैप करते हैं। इसलिए ये मानव भोजन जैसे सॉसेज और चिकन, साथ स्ट्रॉबेरी, केला और फैशन फ्रूट जैसे फल खाने के लिए भी जाने जाते हैं। तिलिकुवरुगोसा बहुत ही गतिहीन जीवन शैली जीते हैं और आमतौर पर अन्य सदस्यों के प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि ये छिपकलियां प्रादेशिक होती हैं और सामान्य प्रजाति के घुसपैठियों के प्रति आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर सकती हैं। इनके पास स्थिर घरेलू सीमाएं होती हैं और ये रासायनिक संकेतों के माध्यम से सदस्यों के बीच अंतर कर सकते हैं। पारिवारिक पड़ोसी जो घरेलू सीमाएं और बिल साझा करते हैं, वे आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाते हैं। हालांकि कभी कभार आक्रामक बातचीत में अपरिचित नरों पर अन्य नरों द्वारा हमला भी किया जाता है। स्केल क्षतिग्रस्त होने से यह अवलोकन संभव हुआ है कि बिना जोड़ा वाले नर एक दूसरे के प्रति आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने की अधिक संभावना रखते हैं। तिलिकुवरुगोसा ऑस्ट्रेलियाई उत्साही लोगों के बीच एक लोकप्रिय पालतू जानवर बन गया है। ये अपेक्षाकृत नरम होते हैं और इन्हें खिलाना और पालना आसान होता है। कुछ राज्यों में इन्हें रखने के लिए परमिट की भी जरूरत हो सकती है। खतरा होने पर तिलिकुवरुगोसा इंसानों को काट भी लेते हैं। ये काटने हालांकि जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन अन्य जानवरों के काटने की तरह ही दर्दनाक होते हैं और प्रभावित क्षेत्र में सूजन या चोट लग सकती है। इस प्रजाति का शिकार कभी डिंगो और ऑस्ट्रेलियाई अजगर जैसे मोरेलिया स्पिलोटा साथ या आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोग करते थे। आज संभावित खतरे बड़ी पेश की गई जंगली प्रजातियों और जैसे लोमड़ियों और बिल्लियों से आने की ज्यादा संभावना होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के झाड़ीदार आवास में बाज और कुकुबेरा जैसे शिकारी पक्षी और बड़े सांप आमतौर पर इन स्किंक का शिकार करते हैं। जब ये पेड़ों या झाड़ियों के नीचे समय बिताते हैं, जहां ये आमतौर पर गर्मियों के दिनों में आश्रय लेते हैं, इनके पास शिकारियों के लिए कई प्रदर्शनकारी रक्षा तंत्र हैं। तिलिकुवरुगोसा अपना मुंह खोलकर अपनी नीली जीभ दिखाता है, जो अक्सर तेज फुफकार के साथ होती है। क्योंकि इनके काटने की क्षमता बहुत कठोर होती है, इसलिए अगर बातचीत बिगड़ती है तो इसका इस्तेमाल बचाव के लिए किया जाता है। तिलिकुवरुगोसा एक जीवित बच्चा पैदा करने वाली स्किंक है। इसका मतलब है कि इसके बच्चे अन्य छिपकलियों की तरह
अंडे से निकलने की बजाय जीवित पैदा होते हैं। गर्भावस्था और प्रसव मादाओं के लिए विश्वसनीय रूप से कठिन होते हैं। बिरोड का आकार 1 से 4 तक हो सकता है, आमतौर पर 2 से 3 अपेक्षाकृत बड़ी संतान। मादाओं के पास एक अच्छी तरह से विकसित प्लेसेंटा होता है, जिसके साथ ये अपने अजन्मे बच्चे को खिलाती है। ज्यादातर अन्य छिपकलियों के विपरीत यह प्रजाति एक रस होती है और प्रजनन के मौसम से पहले सितंबर से नवंबर के दौरान जोड़े में फिर से मिलती है। इनके जोड़े आजीवन काल तक हर साल एक दूसरे के पास लौटते देखे गए हैं। प्रजनन का मौसम दिसंबर से अप्रैल तक होता है और गर्भधारण अवधि आमतौर पर 3 से 5 महीने होती है। जब वे पैदा होते हैं तो बच्चे तुरंत अपने जन्म के बाद भोजन खा लेते हैं। वे स्वतंत्र होने से पहले कई महीनों तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन वे निकटता में रहते हैं, जिससे निकट संबंधी स्किंक की एक कॉलोनी बन जाती है। एक रस जोड़े का नर पालन पोषण करते समय कम खाता है, सतर्क रहता है और अलार्म देने के लिए तैयार रहता है। ये प्रतिद्वंदी नरों से खुद को बचाने के लिए मादा के पीछे पीछे चलते हैं, जबकि मादा भोजन की तलाश करती है। एकांगी जोड़ी बनाना बॉबटेल छिपकली के जीवन का एक केंद्रीय पहलू है। दिशा की इनकी उत्कृष्ट समझ नर को संभोग के मौसम के बाहर भी मादा का बार बार पीछा करने या उसका पीछा करने की अनुमति देती है। जब जोड़े में से एक की मृत्यु हो जाती है तो इन स्किंक को अपने जोड़ीदार के लिए शोक मनाते या चिंता करते हुए भी देखा गया है। सामाजिक एकांगिता मादा बॉबटेल छिपकलियों के लिए नर से ज्यादा फायदेमंद है। यही कारण है कि बहुपतित्व शायद ही कभी पाया जाता है, लेकिन बहुविवाह ज्यादा आम है। मादाएं चौकस नर को पसंद करती हैं और इसलिए संभोग का विकल्प उनके पास होता है। शोधकर्ता ने पाया है कि नर को संभोग से पहले कुछ हफ्तों तक मादा का पीछा करके खुद को साबित करना होता है, ताकि उसे साथी के रूप में चुना जा सके। इस कारण से मादाएं अक्सर भविष्य के सालों में उसी नर के साथ रहना पसंद करती हैं। उन्हें स्थिरता का मूल्य और विश्वास मिलता है कि नर एक बार फिर चौकस रहेगा। कुछ वर्षों में मादाएं जो साथी जोड़े बदलती हैं, ऐसा तब करती पाई गई हैं, जब नर पिछले वर्ष कम चौकस था। बॉबटेल छिपकलियों में मनोगोमी विशेष रूप से लोकप्रिय क्यों है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले 2 दीर्घकालिक जोड़े होने से माता पिता की देखभाल बढ़ जाती है, क्योंकि संतानों की देखभाल और उनके लिए संसाधन जुटाने के लिए 2 माता पिता होते हैं। इसके अतिरिक्त मनोगोमी से नर के लिए मादा के घर की रखवाली करना आसान हो जाता है। बहुविवाही सेटअप में अन्य नरों के खिलाफ कई मादा रेंज की रखवाली करना मुश्किल साबित होता है और समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। हालांकि अतिरिक्त जोड़ी निषेचन अधिक दुर्लभ है, बड़े बच्चों का उत्पादन करता है और इसका नुकसान यह है कि इन सेटअपों में मादा को कम ध्यान मिलता है, इसलिए मनोगोमी सबसे लोकप्रिय है। ऑस्ट्रेलिया में इनके व्यापक वितरण के कारण टिलीकुआ रुगोसा को कम से कम चिंता का विषय माना जाता है। हालांकि आवास की हानि और विखंडन इनकी आबादी के लिए खतरा पैदा करता है, जो इन्हें द्वितीय छिपकलियों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों के महत्व पर जोर देता है। कुल मिलाकर टिलीकुआ रुगोसा आकर्षक विशेषताओं और व्यवहारों वाली छिपकली की एक उल्लेखनीय प्रजाति है। इनकी लंबी उम्र, एक रस संबंध और सर्वारी आहार इन्हें जंगल में अध्ययन और अवलोकन के लिए वास्तव में एक दिलचस्प विषय बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी आकर्षक जानवरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।